अस्सलामुअलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज हम बात करते हैं कर्नाटक में बजट कैसा रहा। अक्सर माहिरीन का कहना है कि सिद्धरामैया हुकूमत ने बेहतर बजट दिया हुआ है, पर भाजपा ने इसे बेकार कहा है। उसी नहज पर जेडीएस के कुमार स्वामी ने इस बजट को जहर कहा। आइए देखते हैं आखिर क्या चीजें हैं जो आम इंसानों के लिए इस बजट में हासिल हो रही है। जैसे हमने कल भी कहा था कि अगर बात बेलगाम से शुरू करते हैं तो 450 करोड़ का फ्लाईओवर ब्रिज हाईवे से शुरू होगा, संकम होटल से होते हुए किला तालाब का सर्कल सीबीटी तक रहेगा। उसी तरह दूसरा अशोकनगर यानी कि बुड़ा ऑफिस के सामने से किला तालाब के बाजू से होते हुए अशोक सर्कल और वहां से आरटीओ सर्कल, फिर चन्नम्मा सर्कल अंबेवड़ी गार्डन तक रहेगा। चन्नम्मा सर्कल से आगे अगर सीधा रास्ता क्लब रोड तक रहेगा। बेलगाम में बढ़ती ट्रैफिक के मद्देनजर फ्लाईओवर को अंजाम दिया जा रहा है। दिगर 11 शहरों में बेलगाम के साथ तिजारत कारोबार को कुव्वत हासिल हो इसके लिए रात 11 बजे तक बाजार खुले रहेंगे। इसी तरह बेलगाम के साथ दिगर 10 शहरों में इंटीग्रेटेड टाउनशिप के तहत तरक्कियाती कामों को अंजाम दिया जाएगा, जिसके लिए 2000 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान भी किया गया। बेलगाम के साथ मैसूर, बेंगलोर, हुबली, बीजापुर, कोलार, बेल्लारी होंगे। करीबी गांव की सड़कें भी बेहतर बनाई जाएंगी, खासकर जहां किसानों को लेकर भाजपा या मरकजी हुकूमत जुल्म करने की बात कही जा रही है। वहीं सिद्धरामैया ने अन्नदाताओं पर खास नजर फरमाई है। किसानों को पहले 3 लाख रुपए कर्ज मिला करता था, अब 15 लाख दिया जाएगा। डीसीसी और पिकोड और तवील कर्जदारों का कर्ज भी माफ करने का ऐलान किया गया, जिससे 57,000 किसानों को फायदा पहुंचने वाला है। कृषि भाग्य स्कीम के तहत 200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। बीजापुर में किसानी बेहतर बनाने के लिए कॉलेज भी शुरू किया जाए। रेशम को फरोग देने के लिए 150 करोड़ रुपए खर्च कर हाईटेक बाजार खड़ा कर दिया जा रहा है। इसी तरह तालीमी मैदान को भी 850 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। अब हुकूमत का उर्दू स्कूलों के लिए कितना इमदादी रकम मंजूर की गई है यह नहीं मालूम है, क्योंकि 2000 सरकारी स्कूलों को कन्नड़ और अंग्रेजी स्कूलों में तब्दील करने का ऐलान किया गया है। कर्नाटक में कन्नड़ और अंग्रेजी स्कूल के बाद उर्दू ही तो बसती है। इसका यह मतलब तो नहीं कि उर्दू स्कूलों को ही कन्नड़ और अंग्रेजी स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो मुसलमानों के लिए खासकर यह लम्हे फिक्र कह सकते हैं। मराठी और दिगर स्कूलों का भी जायजा लिया जाए तो कर्नाटक में उर्दू स्कूलों की तादाद काफी है। मसला यह भी है कि अब मुसलमानों को ही उर्दू से कुछ लेना देना नहीं है। अंग्रेजी और मगरबी तहजीब के पीछे कौम का इस तरह दीवानगी की हद तक पीछे पड़ना ये भी अजीब कह सकते हैं। और अपने आप को दीनदार और मोहब्बन उर्दू कहने वाले लोगों की ये हालत देखी जा रही है। खैर, उर्दू स्कूल खतरे में है इतना जरूर है। नर्सिंग की तालीम लेने वाले अकलियती तलबाओं के लिए भी बम्पर ऑफर सिद्धरामैया हुकूमत ने दी है। 25 नए कॉलेज की शुरुआत भी करने का ऐलान किया गया। स्कूलों में बाथरूम के लिए 850 करोड़ मंजूर किए गए। गरीबों के लिए भी 3 लाख मकान तामीर किए जाएंगे। वक्फ बोर्ड मिल्कियत के लिए 100 करोड़ मंजूर किए गए। ईसाइयों के लिए 200 करोड़ का बजट दिया गया। साथ में 10 करोड़ का मैंगलोर में हज भवन भी तामीर किया जाएगा। लिहाजा इस ऐलान के बाद भाजपा वालों ने मुसलमानों को खुश करने का बजट दिया है, ऐसा इल्जाम लगाते हुए बजट को बायकॉट करते हुए वॉकआउट भी किया। वजीर आला सिद्धरामैया ने कन्नड़ जुबान को बाजारों में तख्तियां बोर्डों पर 60% का होना लाजमी करार दिया है। वजीर आला सिद्धरामैया ने यह भी इल्जाम लगाया कि मरकजी मोदी हुकूमत की जानिब से जायज इमदाद न मिलने से रियासत कर्नाटक को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, लिहाजा रेवेन्यू डिफिसिट वाला बजट पेश किया, ऐसा भी उन्होंने कहा। वैसे जहां भी भाजपा की हुकूमत है उन रियासतों पर भी जुल्म किया जा रहा है, लेकिन आवाज नहीं उठा पा रहे। मौलवियों और मुतवलियों के वर्कशॉप को वह बोर्ड के साथ रजिस्टर किया जाने वाला है। अकलियतों के प्रोग्राम चलाने के लिए तकरीबन 400 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने की भी बात कही गई। और भी कई ऐलानात बजट में किए गए, जैसे खवातीनों के लिए कैफे संजीवनी जिसमें खवातीनों के लिए काम दिया जाएगा, आंगनवाड़ी मुलाजमीन को स्मार्टफोन के साथ ग्रेच्युटी की सहूलत भी फराहम की जाएगी, 80 साल के बुजुर्गों के लिए घर तक राशन पहुंचाया जाएगा। वाज़ह रहे कि आजकल बुजुर्गों की बढ़ती तादाद और घरों में बच्चों की तरफ से बदसलूकी की बढ़ती वारदातें देखने को मिल रही है। यकीनन सिद्धरामैया हुकूमत का इकदाम तो सराहनीय है, लेकिन अवाम की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। और खासकर अगर
मुसलमानों की बात की जाए तो पहले बुजुर्गों पर ज्यादती नहीं देखी जाती थी। मुसलमानों के घरों में उमूमन अगर पहले देखा जाता था तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत और बाप जन्नत का दरवाज़ा, इस तरह का एक बात, एक तसव्वुर मुसलमानों में था जो अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है। लेकिन आपको अब हर गली मोहल्ले में बुजुर्गों के साथ बच्चे बदसुलूकी करते हुए देखने को मिल रहा है। इस्लाम मुसलमानों में बुढ़ापा घर का तसव्वुर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इस दौर फितर में जरूरत हो सकती है। हम कितनी ही बातें कर ले, लेकिन बुजुर्गों का मसला मुसलमानों में भी बढ़ गया है। जिन कौमों का आखरत पर भरोसा नहीं उनके लिए तो सरकार है, पर मुसलमानों का और खासकर सामाजिक खदमात अंजाम देने वाली कुछ तंजीमें हैं, इन्हें आगे आकर इस मसले को भी सुलझाने की और संजीदगी से बुजुर्गों के देखभाल की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। सरकारें वैसे भी बदलती रहती है, लिहाजा अपने समाज के लिए कुछ करना जरूरी हो जाता है। खैर, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वालों को 6 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। खेल कूद की तरफ नौजवानों का रुझान भी जरूरी है। सरकारी मुलाजमीन को 7वां पे कमीशन का भी भरोसा सिद्धरामैया हुकूमत ने दिलाया। पानी की किल्लत भी बड़ा मसला बन सकता है। उत्तर कर्नाटक के लिए पीने का पानी, खेतों के लिए तालाब, चेक डैम और ब्रिज कम बरेज की तामीर के लिए 200 करोड़ का बजट शामिल किया गया। लिहाजा ये कुछ अहम ऐलानात कर्नाटक बजट को लेकर सिद्धरामैया हुकूमत ने किए थे, जिसका इल्म आवाम को भी होना जरूरी है। आज इस मौजू पर बोलने की जरूरत इसलिए भी पड़ी क्योंकि उमूमन ये देखा जाता है कि बजट क्या है, किसे कितना मिला, इस पर खासकर मुसलमानों को तवज्जो देते हुए नहीं देखा जाता। अब हालात पहले जैसे भी नहीं है, अब चौकन्ना रहने का वक्त आया है। वैसे कांग्रेस या भाजपा जब हुकूमतें बदलती हैं तो नजरिए भी बदल दिए जाते हैं। इसी बजट में मुसलमानों की हिमायत करने का इल्जाम लगाकर भाजपा वॉकआउट कर गई, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर भाजपा हुकूमत में होती तो शायद और भी ज्यादती मुसलमानों पर कैसे हो सकती है, इसका पूरा ख्याल भी रखती है और इसी कोशिश में बजट पेश भी करती है। बजट को लेकर मुसलमानों में संजीदगी नहीं है, लेकिन संजीदगी जरूरी है क्योंकि मुस्लिम समाज को हर लिहाज से निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि कर्नाटक की सिद्धरामैया हुकूमत को और भी अहम ऐलान करने हैं। वैसे देखा जाए तो 9 मुस्लिम MLA भी हैं, जैसे 4% रिजर्वेशन पिछली मरतबा भाजपा ने रद्द किया था, अब तक लौटाया नहीं गया। बेगुनाह मुसलमानों पर जो मुकदमे दायर किए गए हैं उन्हें भी फौरन वापिस लिया जाए वगैरह। लिहाजा जो भी है ठीक है कहने की नौबत अब आई है, इतना जरूर है। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। अब बेलगाम में भी इलेक्ट्रिक बसेस दौड़ने वाली है। जल्द शिवाजी नगर के SRTC डेपो नंबर 3 में बड़ा चार्जिंग स्टेशन बनाने का मंसूबा बताया जा रहा है। चार्जिंग स्टेशन शुरू होते ही बेलगाम में इलेक्ट्रिक बसेस की शुरुआत की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है। वैसे बेलगाम में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद बढ़ती जा रही है। रियासती हुकूमत की जानिब से 50 जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाए जाने की बात सामने आई है। पूरी रियासत में अब तक 6000 के करीब चार्जिंग स्टेशन होने की बात कही जा रही है। कर्नाटक में दिसंबर महीने तक 4 लाख इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो चुकी हैं, यानी सड़कों पर दौड़ रही हैं। पूरे भारत में सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही चार्जिंग स्टेशन ज्यादा होने की रिपोर्ट भी आई है। पहले सिर्फ 2 पहिया गाड़ियां ही इलेक्ट्रिकल थी, अब 3 और 4 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इजाफा हो चुका है। अब जल्द बेलगाम में 50 और धारवाड़ में 33 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ऐसा ऐलान किया गया। कल यानी कि इतवार को शहर के कुछ इलाकों में बिजली की सप्लाई नहीं होगी। वैभव नगर, आजम नगर, काक्तिवेश, काली अमराई, क्लब रोड, शिवाजी नगर, वीरभद्र नगर, सुभाष नगर, हनुमान नगर, टीवी सेंटर, हिंडलगा गणपति एरिया में सुबह 9 बजे से 5 बजे तक बिजली नहीं होगी, ऐसा हेस्कॉम की तरफ से बताया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।